Thank you so much, ladies and gentlemen, for coming here. It's all looking very formal and very regal, because it is a very regal location, but I've always felt that we've never had an opportunity to directly interact with the media, talk to some of the people, and so I asked Chintu if we could get together in one location, get everybody here together, and just casually sitting in a drawing room and talking. Talk about cinema, talk about our film, talk about other things that we've done together, many other films. So my first question really is that how many people in the audience above the age of 65? 1, 2, 3, 4. How many above 76? Nice to know that. Thank you. तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो हम लोग बैठे हैं 65 साल के और 76 उम्र के, ये तकरीबन 4 या 5 दशक से हम लोग फिल्मों में काम करते आ रहे हैं, और इसे मैं अपना और मैं उम्मीद करता हूँ कि चिंटू जी आपको भी ये बड़ा सौभाग्य मानते होंगे आप कि हमें वी हैड एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क थ्रू 4 or 5 जनरेशंस और 5 डेकेड्स ऑफ इंडियन सिनेमा एंड स्टिल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बी टुगेदर एंड टॉक टू यू टुडे अबाउट आवर अपकमिंग फिल्म एंड सम ऑफ द फिल्म्स दैट वी हैव डन इन द पास्ट एज वेल. So, Chintu, I'll just start with you and say it's very difficult to ask you, you know, what prompted you to join movies, because you come from the most important family and the most, their dedication, their history of cinema is, well, world renowned. What was it that prompted you to come into films? Well, first of all, I've been told, Mujeeb, that when I was little, or perhaps before that, there was a shot I had to give for Shri Charsubis. Right. And my elder brother and my elder sister were also in the shot. And the shot was just walking by, but in rain. And when I was shot, and it was rehearsed, I was crying. तो रोल लगता शॉट कभी होता नहीं था. तो फिल्म श्री 420 का वो दृश्य था, और फिर वहाँ नरगिस जी ने मुझे उस वक्त मुझे ब्राइब में कहा कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी अगर तुम अपने आँख खोल के रखोगे और रोएगे नहीं शॉट में. सो आई टुक अप दैट ब्राइब एंड आई केप्ट माई आईज वाइड ओपन ओनली फॉर द चॉकलेट एंड आई गेव दैट शॉट. सो दैट वॉज माई फर्स्ट शॉट एवर दैट आई डिड इन माई लाइफ इन फिल्म. कि एक दिन हम खाना खा रहे थे और मेरे पिताजी ने मेरी माताजी से पूछा कि मैं वो मेरा नाम जोकर बना रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने मम्मी से कहा कि कृष्णा मैं चाहता हूँ कि मैं चिंटू को मेरा नाम जोकर में अपना बचपना का पार्ट दूँ. तो मेरा क्लोज़ अप अंडेड कहा कि भाई मुझसे कहा जा रहा है कि मैं फिल्म में काम करूँगा. तो मैंने वहाँ किसी के सामने रिएक्शन तो नहीं दिया, मैं अपना खाना खाते रहा. तो मम्मी और पापा के बीच में बात हो रही थी कि देखिए वो उसके स्कूल में यू नो शुड नॉट बी हिंडरिंग हिम इन स्कूल एंड हिज क्लासेस. वो दूसरी बात है कि इट हार्डली मेड एनी डिफरेंस इन आवर स्कूल, बट वी सॉल्वड इट आउट. एंड इन दैट ड्यू कोर्स आई फिनिश्ड माय मील, आई केप्ट अवे माय प्लेट, आई वेंट बैक टू माय रूम एंड ऑन माय स्टडी टेबल आई ओपन टू ड्रॉ एंड टुक आउट अ फूलस्कैप शीट एंड देयर एंड देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग माय ऑटोग्राफ. मेरे दादाजी ने यहाँ बहुत से प्लेस किए हैं, और आपको बताने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है. आई चेक दिस विथ माई मदर इन द इवनिंग बिफोर आई डिस्क्लोज दिस टू यू दैट माई ग्रैंड फादर पृथ्वीराज कपूर बिकेम ग्रैंड फादर राइट हियर ऑन द स्टेज एंड वाइल्स डूइंग हिज प्ले दीवार ही केम आउट ऑफ हिज कैरेक्टर एंड ही सेड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट आई बिकम अ ग्रैंड फादर माई सन राज कपूर हैज गिवन बर्थ टू अ सन. This is the place. तो यहाँ पर आज बैठ करके हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आप लोगों से बातचीत करके. ये जो 4 दशक हैं चिंटू, हाउ डू यू फील अबाउट इट? आई मीन हाउ डू यू फील
these 44 years. We've started working. Chintu was telling me. 44 years back. 44 years we started working. First film was Kabhi Kabhi together. Yeah. But 44 years, and I just thought that maybe we'll just share some notes about what it was like working in the 70s, right now up to 2018. मेरे ख्याल से सर ये बोलना बहुत ज़रूरी है ऑडियंसिस को कि उस वक्त 70s में हमारी ऑडियंसिस जो थी वेरी फॉरगिविंग ऑडियंस थी, एक इनोसेंट ऑडियंस थी, वेरी फॉरगिविंग ऑडियंस. बिकॉज हम सब एक्टर्स जो थे, हम सब जितने तमाम एक्टर्स जो थे, कभी भी किसी वक्त उनके पास मिनिमम 3 पिक्चरें तो डेफिनेटली लॉस्ट एंड फाउंड में बेस्ट होती थी, और बाकी होती थी रिच बॉय एंड पुअर गर्ल या पुअर बॉय एंड रिच गर्ल. देयर वाज नो अदर थीम. ये जब ज़्यादा पिक्चरें होने लगी, और इसके एक दोषी मैं हमारे प्रिय मित्र शशि जी को भी कहूँगा, उनके कम से कम 20-25 फिल्में एक साथ चलती थी, और वो हर जगह जा करके 2-2 घंटा इधर, 2-2 घंटा उधर, फिर किसी और स्टूडियो में. मेरे पिता फिर उनको टैक्सी बुलाते थे. क्या बात कर रहे हैं. नहीं एंड व्हेन वी आर गिविंग अ शॉट आफ्टर वी रिहर्स्ड, द आर्टिस्ट एंड फॉर पीपल लाइक मी हु आर न्यू कमर्स, इट वॉज फ्राइटनिंग बिकॉज वी हैड टू गेट इट राइट इन द फर्स्ट टेक. यू नेवर हैड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ सेकेंड टेक, क्योंकि उसमें फिल्म जो है वो ज़ाया होगी, और डायरेक्टर जो था वो आपको कभी अपॉर्चुनिटी देता नहीं था, और अगर आपने 1-2 बार गलती कर दी तो शायद आपको फिल्म से निकाल देंगे. तो इस डर के मारे, नहीं सीरियसली, इस डर के मारे हम लोग ये प्रिपेयर करते थे कि ये एक ही टेक में करना है, और वो एक आदत सी बन गई है चिंटू, कि जब हम लोग काम करते थे, अभी भी द मोमेंट वी स्टार्ट आवर डायलॉग एंड वी फील कि यार शायद हम भूल रहे हैं, इट्स गोइंग रॉन्ग, कट 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 कट, ताकि वो फिल्म बच जाए. फिर साहब ऐसा हुआ कि आजकल की मॉडर्न जनरेशन के साथ हमें काम करने का सौभाग्य मिला. नाम नहीं लूँगा किसके साथ, लेकिन एक फिल्म में काम कर रहा था, वो ऐसे ही हुआ तो मैं डायलॉग बोलना शुरू किया, मुझे लगा कि मैं डायलॉग भूल रहा हूँ, कट 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 कट. तो वो जो नौजवान डायरेक्टर था वो मेरे पास आया, मिस्टर बच्चन कैन आई स्पीक टू यू फॉर 2 मिनट्स, आई सेड यस, और अलग ले गया. सर यू विल नॉट से कट, आई विल से कट. सो ही इज राइट, क्योंकि सर कोई रोक नहीं है ना, अभी डिजिटल पे कितने भी रिटेक दे दीजिए, कितने भी कुछ करते रहिए, देर इज नो डेंजर ऑफ टाइम. सो ही इज राइट. इन द शूटिंग ऑफ आर फिल्म 102 वी मैनी टाइम्स वी हैड दिस डिस्कशन एंड वी सेड यार वाई आर यू रीटेकिंग दिस शॉट, बट हमारे डायरेक्टर साहब हैं कि चले गए, वो हमेशा ये कहते थे नहीं यार एक और कर लेते हैं. और एक बड़ा कॉमन एक्सक्यूज हो गया देखिए डायरेक्टर्स का, क्योंकि हम लोग थोड़े वृद्धावस्था में पहुंच गए हैं तो वो थोड़ा से लिहाज करते हैं हम पर, तो सर एक और ले लेते हैं. तो हम समझ जाते हैं कि व्हाई ही इज टेकिंग इट, बिकॉज मे बी ही वॉन्ट्स अस टू इम्प्रूव, बट आफ्टर 3 or 4 व्हेन इट डजंट हैपन, इट्स अ नॉर्मल एक्सक्यूज चिंटू. आई एम श्योर दैट द कैमरा डिपार्टमेंट, उसका फोकस कुछ गड़बड़ हुआ है, कोई लाइटिंग खराब हो गई. वो हमको नहीं बताएंगे कि लाइटिंग खराब हो गई या फोकस खराब हो गया, वो कहेंगे नहीं सर वो थोड़ा आप एक लाइन थोड़ा सा ठीक कर दीजिए और उसको थोड़ा एक थोड़ा इमोशन और बढ़ा देते हैं उसमें, बट इट्स एक्चुअली देयर फॉल्ट. डू यू एग्री विद दैट? हमारे साथ क्या होता था कि जब हम नए नए थे, मैं फिल्म बॉबी की बात कर रहा हूँ, तो हम गलतियाँ करते थे, हमको आते ही कुछ नहीं था, हमें बताया जाता था. तो जब रीटेक पे रीटेक होते थे तो यू नो डायरेक्टर हु वाज माय फादर देन, ही इज़ नो फादर, ही इज़ अ डायरेक्टर ऑन द सेट्स, नो डैडी पापा बाबूजी मामा एनीथिंग, नथिंग, इट्स जस्ट साहब एंड व्हाट द शॉट इज. सो ही हैड अ कोड वर्ड, हिज कोड वर्ड वाज ही इज़ टू आस्क हिज चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हाउ वाज द शॉट, एंड इफ ही वांटेड अ रीटेक इवन आफ्टर दैट देन ही वुड आस्क द साउंड गाय, एंड दोज़ वी यूज़ टू हैव सिंक साउंड, ही इज़ टू आस्क हिम, हिज ऑडियोग्राफर वाज अलाउद्दीन खान. तो ही सेड खान साहब शॉट कैसा है, दो थिंग्स दैट दीज अ कोड वर्ड्स है कि मुझे एक और चाहिए तो तुम बोलो एक और चाहिए. व्हाई? आई टेल यू व्हाई, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज इनवेरिएबली यू द एक्टर बिकम्स नर्वस व्हेन यू स्टार्ट फॉरगेटिंग लाइंस एंड यू डू नॉट नो एंड यू डोंट डू एग्जैक्टली व्हाट योर यू नो योर इंस्ट्रक्शंस आर, सो यू कुड बिकम नर्वस. एंड आई हैव सीन वेरी सीनियर एक्टर्स यू नो गोइंग थ्रू दैट फेज, बिकॉज दे यू नो इफ यू आस्किंग वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर, इट बिकम्स दैट सॉर्ट.
So he used to say, oh God, and he used to take a shot and say, that is very good, very good. Huh? Rahul, very good. Khan sahab, shot kaisa hai? So that's the code. Ji, ek aur chahiye, mera sound theek nahi. Arre yaar, this is wrong. Sorry, your shot was damn good, but I want the same thing, huh? Same thing again. And then he would pass the instruction. Dekho, wo jo haath jo tha na, tumne aise cover kiya, to wo mat karo, aur aise karo. This is why the retake is done. So everybody had his own way to work, you know. So not to make the actor, you know, nervous or conscious of the fact that, you know. So aise sir, main. Sir, at least you were fortunate ki aapko retake milta tha. Yeah. Hamare set pe to Rishida bolte the, agar retake chahiye to uski you have to pay for it. Because you have to save the film. So you used to just take one shot. And kifayati jo hoti thi na us zamane mein, khas taur se Rishida ki filmon mein. To Rishida subah hum log set pe jaye. Rishida usse ki kya hai? Zain bas ready ho jao, ye chota idhar se aana hai udhar ka. He never used to tell us anything. He said, "Wahan khade ho jao, dialogue bolo." Rishida, wo dress kya hoga? Yehi jo tum pehno, yehi theek hai. So every time we went for the shooting to Rishida, I said, "Rishida, wo kapda kya pehna hai?" Yehi hai, theek hai, tumhara jo pehen ke hai. So in order to look good in the film, we started wearing what we were going to come to the studio with, knowing that Rishida is going to say, "Ki haan, yehi pehen ke aa jao." तो बहुत सी हमारी रिश्ता की फिल्मों में जो हमारे कपड़े आपने देखे हैं वो हमारे अपने हैं। He is such a delightful actor to work with. He is a pleasure to work with. अच्छा, ये इसलिए यहाँ नहीं रखा है कि आप हमारी तारीफ करें, मैं आपकी तारीफ करूं। इनको बता तो दूं मैं what it's like to, you know, work with you. And I must tell you a little later that what he does, and I've learned a lot from him. Okay, what he does within, how I've learned a lot what he does with his craft, which I will share with him. I don't have any craft. No, well, you have a craft of how you do your work. You're a thespian. The what, how you do your work and how you get into your role is what I discovered about you in this film. After 27 years and done 5 films, I got to know it now. So it's my fault. So, आप बताइए सर, आप जो कह रहे थे मैं बाद में बताऊंगा ये हमने. We did Kabhi Kabhi together, or कभी कभी जो थी वो यश जी के साथ मैंने दीवार शुरू कर दी थी फिल्म, और दीवार ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे थी, और दीवार का जो रूपरेखा थी, जो कहानी थी, उसका जो मूड था, जो कैरेक्टर था, वो एकदम विपरीत था कभी कभी के साथ. एंड ऑलमोस्ट विद इन 2 डेज ऑफ फिनिशिंग द दीवार शूट, वी वर इन कश्मीर shooting for Kabhi Kabhi, where there was romance and flowers and, you know, elegant clothing and Kashmir and everything. Bada ajeeb sa laga sa tha us samay. But this was the craft of Yash Chopra. He was able to switch from one to the other, and always. But you know, even in the film like Diwar, one or two moments when यश जी यूज टू हैव एन अपॉर्चुनिटी, बड़ा सीरियस सीन चल रहा है, जैसे कि परवीन बाबी जी का और मेरा कोई सीन चल रहा है, जहाँ हम, मेरा बाप जो था वो चोर था, ये था, और जैसे ही वो सीन खत्म होता था, ही वुड जूम टू अ बुके ऑफ फ्लावर्स. इफ यू नोटिस इन दीवार, कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा वो. तो वो आदत से मजबूर थे, उनको फूल पौधे, मिठास, शायरी, ये सब बहुत पसंद था. But it was a wonderful experience. We spent many days in Srinagar and Kashmir, and I was working with Chintu Ji for the first time. Or I would like to, before you proceed, I'd like to tell the audience how I met you and where I met you the first time. जी जी मैं बताऊँ, मैं भी जानना चाहूँ. आप शायद भूल रहे हैं, मेरी दोस्ती बहुत थी इंदर राजन साहब के बेटों के साथ, और इंदर राज आनंद राइटर थे, उनकी बड़ी दोस्ती थी ख्वाजा अहमद अब्बास साहब से, द राइटर, फेमस राइटर. ये उस वक्त आई थिंक ही वॉज ऑडिशनिंग फॉर द फिल्म साथ हिंदुस्तानी. तो आई यूज़ टू कम टू टेनू आनंद एंड बिट्टू आनंद यू हैव. तो मैं वो घर में आता था, बिकॉज मेरे दोस्त थे, मित्र थे, तो हम बैठे रहते थे. और मैंने एक दिन देखा अ यंग मैन, हैंडसम मैन, वेरी लैंकी, चौखट मारे हुए ज़मीन पे बैठे हुए, ये कोई अपना रिटन टेस्ट दे रहे थे अब्बास साहब के सामने. ये कोई रिटन टेस्ट दे रहे थे, आपको याद आएगा, देव सोचिए. एंड आई डोंट नो व्हाट इट वाज हैपनिंग, एंड देन देयर वाज अ काइंड ऑफ अ रिटन टेस्ट, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली सॉ यू. सर, ये सही नॉट इंट्रोड्यूस्ड, ऐसा हुआ था सर? बिल्कुल सही है सर, क्योंकि अब्बास साहब चाह रहे थे कि बहुत से जो शब्द थे, डायलॉग्स,
वो मुझे मालूम नहीं थे। और मैं आज भी बता रहा हूँ सर कि ज़िंदगी में पहली बार मैंने शब्द जायका सीखा, टेस्ट, जायका, खाने का जायका क्या होता है, वो शब्द उस दिन जिनकी और जब से इनके मुंह पे जायका लग गया है, he's left everybody bloody behind, that's why he's Amitabh Bachchan। आरके स्टूडियोज याद है जी, जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे बॉबी के लिए, आशा चंद्रा के जी, आरके स्टूडियो में राज जी का जो मेकअप रूम था, सबसे बड़ा बहुत ही ह्यूज रूम एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर होता था, और वहाँ पर चिंटू और जो इनके ट्रेनर थे आशा चंद्रा, हाँ वो डिम्पल और शशिकांत, आई यूज्ड टू गो एंड पीप एंड दे यूज्ड टू बी, आई यूज्ड टू सी हिम ट्रेनिंग देयर फॉर द फिल्म बॉबी, बट वंडरफुल मेमोरीज। देन वी वर्क टुगेदर इन अमर अकबर एंथनी, और अभी अभी हमने एक यहाँ पर प्रोमो शूट किया आपके यहाँ आने से पहले, जैसा कि उमेश जी भी कह रहे थे और चिंटू भी कह रहे थे कि ये यही थिएटर है जहाँ पर अमर अकबर एंथनी चली थी 25 हफ्ते, और चिंटू ने बताया कि अमर अकबर एंथनी 25 हफ्ते चली 25 थिएटर में, मुंबई सिटी के एक शहर में 25 थिएटर 25 हफ्ते, क्या ज़माना था वो। आजकल तो 25 शो नहीं चलती है, 25 शो नहीं चलते हैं, 25 दिन नहीं चलते हैं। And not very many have this a journey like us, Touchwood. We've been working since 44 years. And भगवान चाहे तो हम अगले 44 साल भी आगे काम करें। But you know, just to be with the mad genius that was Manmohan Desai, it was a huge joy. We used to sit and laugh sometimes off the set. यार मन तो क्या करवा रहा है यार, ये नहीं ठीक है, ये गलत है, तीन प्राणी यहाँ लेटे हैं, उनका खून जा रहा है एक बोतल में और बोतल से जा रहा है माता श्री को, ये मेडिकल हिस्ट्री नहीं हो सकती है, इज रॉन्ग, चपट गरीब, तुमको मालूम नहीं क्या होने वाला, चप। और दो तीन बड़ी मोटी मोटी गालियां देके हम लोग वहाँ लेट जाते थे, बट यू नो ही वॉज सो राइट, because in the theater when that scene came, the theater used to explode, unbelievable reactions, but he, you know, hum log ab jaise wo kai aise scenes the, aur uski kahani dekhi, Amar Akbar Anthony ka climax ka gana hai, ek jagah jab jama hoti no Amar Akbar Anthony, tino ga rahe hain aur villain ko pata nahi ki Amar Akbar Anthony, only a Manmohan Desai could have pulled that off. एक और मैं आपको बताता हूँ, हमारी फिल्म अमर अकबर एंथनी में फिर से देखिएगा अगर आपको मौका मिले साहब, एक फाइट सीन होता है विनोद खन्ना और मेरा, जहाँ वो मुझे पीटते हैं और पीटने के बाद मैं जेल में फेंका जाता हूँ या कहीं लॉकअप में, तो जहाँ जहाँ हमको लगा था चेहरे पे, तो उसने कहा यार मेकअप कर लो कहाँ कहाँ चोट लगी, तो एक घाव यहाँ था और एक जरा आँख के नीचे था, तो वो थोड़ा मेकअप वाले ने लगा दिया। उसके बाद चार सीन हुए हैं देवी और सज्जनों, ये मेकअप जो है घाव का, ये पूरे चेहरे पर घुमा है, कभी यहाँ लग गया है, कभी यहाँ पहुँच गया है, कभी यहाँ पहुँच गया, देर इज नो एफर्ट टू मेंटेन कॉन्टिन्यूटी। देन वी वर्क इन कूली टुगेदर एंड सर, कूली तो लैंडमार्क फिल्म आपके लिए सर, वो मार्क हो गया लेकिन You know that, can I tell them about that incident? Just then the fatal shot that nearly near about fatal shot, उस दिन हमें 2 बजे की शिफ्ट में हमें बुलाया था, तो अमित जी ने बोल रहे थे कि तुम मेरे साथ चलना, तो वी बोथ सैट इन द कार, वी बोथ वेंट टू द स्टूडियो एंड अमित जी वाज वेयरिंग शॉर्ट्स दोस डेज, सेक्सी शॉर्ट्स एंड ऑल दैट, आई रिमेंबर दैट वेरी वेल, एंड वो उस दौर में बैंगलोर में एवरी डे यूज टू वेयर शॉर्ट्स एंड कम फॉर द शूट। So that day the first shot was mine, whereas the second shot was being lit up, which was a longer shot, was a shot between Amit ji and Puneet. Pehla ye shot kiya tha ki mujhe ek height se jump karna tha Goga Kapoor pe, that was all. So the boxes were kept there, uske upar tarpaulin lagaya gaya tha, tarpaulin is actually to box the boxes, you know, tightly.
तो जंप करना था मैंने, तो ऊपर लाइटिंग वाइटिंग हो गई थी, हाई स्पीड में शॉट था, तो मैंने देखा कि अमित जी वहाँ आए और उन्होंने देखा बॉक्सेस में और मुझे ऊपर देखा, तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, तो ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड नथिंग बिकॉज शॉट वाज गोइंग टू हैपन एंड व्हाट इज ही गोइंग टू टेल मी। मुझे कहीं किसी असिस्टेंट ने कान में बोल दिया यार जंप नहीं करना, डाइव मारना, यू नो, तो यू एट द स्पर ऑफ द मोमेंट यू चेंज योर माइंड एंड यू डू समथिंग विच यू इंस्ट्रक्टेड टू डू एंड यू डू समथिंग एल्स। तो मैंने जो लीप ली, वो जो बैनिस्टर था, बैनिस्टर से आई लेप्ट टूवर्ड्स गोगाज हैंड एंड आई वेंट देयर एंड आई लैंड ऑन द बॉक्स। इन दैट प्रोसेस आई स्क्रैच माई होल फेस बिकॉज ऑफ द एब्रेशन, द फ्रिक्शन ऑफ दैट टार्पोलिन। And that is where he came into me कि अगर तुम्हें बहुत शौक है अपने स्टंट्स करने का, then you must know and how these the boxes are kept and everything. He then fired me. He said it was your fault. And I was going to tell you, then I said, अभी मैं क्या बीच में बोलूँ, शॉट रेडी है and you were supposed to jump, why did you dive? So he was right. I was wrong and that happened. I had bruised my cheek and my forehead. खैर, the next shot was the shot between him and Buneet, and the shot started off and it was a fantastic take. I think it was the first take, okay, everybody was clapping and I remember him, you know, he was trying to ape Pran Sahab. Jaise Pran Sahab, whenever you know, he did that, so Pran Sahab had a certain way of saying thank you. So he did the same thing because I was seeing that. And then all of a sudden, everybody is happy and you see that Amit Ji has just disappeared. खैर हम जाके कहीं बैठे तो माय मेकअप मैन केम एंड टोल्ड मी कि सर अमित जी को कुछ लग गई मेरे ख्याल में, वो देखो गार्डन में लेटे हुए हैं। तो ऐसे लेटे हुए क्या, ऐसे लेटे हुए आई सॉ दे ये कुछ ही वॉज समवेयर इन पेन व्हाट आई डिडंट नो। बाय द टाइम यू नो प्रयागराज एंड मनमोहन जी एंड एवरीबडी गॉट टू नो एंड वी ऑल वेंट देयर, तो ही सेड दैट यू नो कुछ नहीं यार, जैसे लगाए जो भी जैसे हो गया, गो ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन। एक्चुअली दैट इज हाउ द शॉट एक्चुअली टुक प्लेस। It was a perfect take. He didn't complain at that spur of the moment. He didn't say, he didn't give up the shot. He didn't, you know, stop the shot and say, painful. So that was the actor within him that did not give up. However, so much that he was in so much of pain. And sir, iske piche ek aur kahani hai. We had been working in Kuli for many days at a stretch. Kai dino se Bangalore mein. Subah 7-8 baje se leke raat 10-11 baje jaate the. Aur यूनिट जो था वो थक गया था, बहुत मुश्किल में था, और वो कह रहा था सर यू नो मंजी को बोलिए यार अभी एक साथ लगातार चले जा रहे हैं, यूनिट को ब्रेक नहीं मिला है, क्रू नीड्स अ ब्रेक दिस दैट। तो मैंने कहा यार अभी बोलना थोड़ा अजीब लगेगा बट करते जाओ काम, देखते हैं। तो जो ये बता रहे हैं, जब ये शॉर्ट हुआ और मुझे दर्द शुरू हुआ, सो आई जस्ट वेंट आउटसाइड एंड आई ले डाउन ऑन द ग्रास। दो चार यूनिट वाले आए हमारे पास, कहे साहब बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसे करें पैकअप हो जाएगा। तो दे थॉट दैट आई एम हर्ड देम कि ब्रेक नहीं मिला है कई महीनों से, तो ये ब्रेक करने के लिए ये एक्टिंग कर रहा है यहाँ पर, ये अब हमको ब्रेक मिल जाएगा तो हमको एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी। But of course, that was another story. But nobody knew what was going to become of that. Yeah. मैंने अपनी तरफ से इनको शाम को आईडेक्स भेजा था, जैसे कि आईडेक्स ने कुछ करना था इनको। क्लाइमेक्स का गाना होता है, जैसे मनमोहन देसाई की हर पिक्चर में गाना होना चाहिए, एक्स्ट्रावेगेंट सेट एंड दिस दैट। तो ये बने थे मैटाडोर विद हेमा जी एंड आई वॉज अ चार्ली चैपलिन एंड मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा। आई वॉज प्लेइंग अ कॉसैक डांसर, एक्सक्यूज मी, कॉसैक डांसर। शत्रुघ्न सिन्हा वॉज प्लेइंग अ डांसर with Reena Roy being his Zarina or whatever. So पूरे गाने में सब लगे हुए थे, अमित जी, myself, we all working very hard trying to perfect the steps what Kamal ji used to tell us in instructions of Manmohan Desai. And here was Shatrughan sir not bothered, sitting on the chair, not caring, not having, उनकी वजह से retake पे retake, retake पे retake, and he couldn't care less. तो देखकर then Manmohan ji got an idea and told his assistant ke tell the junior artist supplier to see jaise koi lamba aadmi ho jo dancer ho, agar wo usse laya jaye to better hai. To khair, what happened was he was called to actually do the double of Shatrughan Sinha and do that Cossack dance to do it. Now hum sab lage mein apni taraf se zor laga rahe hain, we got to do best in this that, and yahan Shatrughan Sinha
कैमरे के पीछे बैठ के इन हिज ओन इनिमिटेबल स्टाइल, शाबाश करो डांस, ये करो, एंड ही हैज अ डबल डूइंग हिज बॉडी डांस. And the tragedy of this is that when the song was completed, when we saw, he took away all the credit also of the bloody song. They all said, "Ke yaar, Shatrughan Sinha ne kya dance kiya yaar?" So this happens. But they were good times.